दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहार में बंद सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलते ही आप नेताओं के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। आप नेता आतिशी ने कोर्ट के फैसले को सत्यमेव जयते कहा है, वहीं पंजाब के सीएम ने इसे सत्य की जीत बताई है। दरअसल दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। आपको बता दें कि अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय को 2 दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वह बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है। आपको बता दें कि अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जमानत बॉन्ड को कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत पर 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर स्वीकार की है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और जनता के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। इस खबर को सुनकर हम सब उत्साहित हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काफ़ी खुशी जाहिर की। तो अब सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। किसके दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुनके और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है, और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था, तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।